बोल दो। हाँ, बिल्कुल। आज ओम शांति। तो आज है 16 अक्टूबर 1969 की मुरली। परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं, इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है, देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है। अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है। आपको पता है बाबा की जो रिसेंट मुरली चली 2 दिन पहले, और कल दीदी ने जो रिवीजन करवाया, सबका यही एक सार था कि योग कितना है। किसी का भी, बाबा ने कहा, जो लिंक है वो टूटने ना पाए। क्या है कि अगर लिंक बहुत देर तक टूटी रह जाती है तो फिर जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बार बार में हर घंटे योग। और कल की जो साकार मुरली थी उसमें बाबा ने कहा मुझे परम धाम में याद करो। तो जो हर घंटे जो एक एक मिनट का जो हम योग करते हैं उसमें जल्दी से एकदम एक सेकंड में आत्मा पहुंच जाए परम धाम में और चार्ज करे खुद को, क्योंकि हाईएस्ट वाइब्रेशन प्योरेस्ट वाइब्रेशन का स्थान है। तो जैसे आत्मा वहां पहुंचेगी शिव बाबा के सानिध्य में परम पवित्र घर में, तो आत्मा पर उसका असर पड़ता है, चार्ज होती है आत्मा। इसलिए कहा ना, तन की बीमारी और मन की बीमारी को ठीक करने का साधन शक्तिशाली योग। तो बाबा पूछ रहे, अच्छा योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन, दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है। यह क्यों पूछते हैं, क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो, बाबा ने बहुत प्रैक्टिकल बात बताई कि भाई परखने की शक्ति की क्यों जरूरत है। अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। यह तो थोड़ी सी रेख देख की अपने ही परिवार की अंदर कहाँ तक परख सकते हो, अपने ही अंदर अंदर कितना परख सकते हो। यूं तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। यह परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। ध्यान से सुनते जाना बाबा क्या सीक्रेट्स बता रहे हैं। बता चुके हैं 69 में, जिसने समझा जिसने अपनाया वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जिसने बात को आनी जानी कर दिया। बाबा के तो बोलने की आदत है भाई, बाबा तो बोलते ही रहते हैं, क्या है ना बस। तो इसीलिए ये सीक्रेट्स बाबा ने कब से बता रखे हैं, अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो क्या हुआ, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। भाइयों के लिए खास कहा, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं, उन्हों का सामना करने लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बाबा ने कहा आप गोपों के आगे बहुत प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो फिर क्या है, उसका सामना करने के लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है, जो परख सके। परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है, परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य साधन कौन सा है, परखने
परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए उनको परख सकते हो? तो बाबा ने सारे सवाल पूछे। हाँ जी, परखने की पावर कैसे आएगी? जो सामने आता है क्या तुम उसको परख सकते हो? तो आप सभी भी बताओ, परखने की शक्ति कैसे आएगी? बोलो बोलो। जब लिंक जुड़ा रहेगा अनुभव से और सामने वाले का चाल चलन देख। राइट। और सामने वाले की दृष्टि को देख के। ओके। और अपनी एकाग्रता से। राइट। बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी तो। बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, परखने की शक्ति। ठीक है, तो लेट अस सी बाबा ने क्या उत्तर दिया। बाबा ने कहा पहले तो ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए। तुझे पता ही नहीं होगा कि क्या हाथ में क्या चेक करने वाले हीरे, वही तो पहचान सकते, से पता होगा असली और नकली क्या है। राइट। पहले ज्ञान होना चाहिए। हम पहले हमारे उधर एरिया में एक आदमी था, जब ये पहले ट्यूबवेल और कुएं जो खुदवाते थे ना, तो उसको दूर दूर तक बुलाने आते थे। उसकी खासियत ये थी कि वो जमीन पे कान लगा के बता देता था कि यहाँ पे पानी है, कुआं खोदो। हाँ, ऐसे होते हैं, अपने भारत में कान लगा के बता देते हैं उनको। हाँ, और सच में जहाँ भी उसने बताया वहां पे पानी निकलता ही था। वही तो बात है। अरे गुड, परखने की शक्ति वही कही। अब बाबा ने क्या कहा कि अगर कोई तुम्हारे सामने आए तो उनको परख सकते हो? तो हर एक ने अपना अपना विचार बताया, जैसे आपने बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है। एक ही रहस्य क्या है भाई? इन सब बातों का सार क्या है? अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति, बात तो वही है। अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति, बात तो वही है। आत्मिक स्थिति का ध्यान है, हमने बहुत बार उस समय बातचीत की, प्रैक्टिस की। तो अभी ऋतु जी जो भेज रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं, बस नॉर्मल बात हो गई वो, कि ऋतु जी की तो आदत है भाई, हम तो नहीं कर रहे। ऋतु जी की तो आदत पड़ गई। बहुत फायदेमंद है। नहीं, बहुत फायदेमंद है। अच्छा, बहुत ही फायदा मिलता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर जब आता है तो बस कुछ भी कर रहे होते हैं उसको रोक के ये कर लेते हैं पहले। और कौन करता है? नहीं, ये तो सही है जी, 100% ना करें लेकिन बहुत चांस मिलता करते हैं। क्या बोला स्वामी भाई? कह रहा हूँ जितने रिमाइंडर आते हैं उतनी बार ना करें लेकिन फिर भी कई बार करने की या कटाई मिल जाता है उससे। ठीक है, तो मैं वही अब मुझे डिसाइड करना था कि ऋतु जी अपना समय लगाए कि नहीं लगाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं लगाए, याद आ जाता है जब इसका रिमाइंडर आता है। अच्छी बात है। नहीं, रिमाइंडर रिमाइंडर ना भी देखे तो एक एक वो बन गया है, मतलब आदत सी बन गई है। अब तो काम भी और काम ही है ना साहब, यही काम है। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग तो अपना अच्छा है। अग्रवाल जी ने कहा कि आगे पीछे कर लेते हैं, करते जरूर हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर तो कोई बात नहीं। जब भी देखते हैं फिर उस समय तो फिर जो है करना फर्ज बनता ही। राइट राइट। देखो भाई, ये बात सही बोली उन्होंने, अगर कोई रिमाइंड करवा रहा है तो भी हम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बोझ चढ़ाने वाली बात हो जाती है। ठीक है। या एक तो भाई हम कुछ कर नहीं रहे हैं, पहले ही हम कुछ ग्रुप में उस प्रकार का हमारा कोई योगदान ऐसा कोई खास है नहीं, अब कोई दे रहा है तो भी हम नहीं ले रहे हैं, तो ये तो फिर बोझ चढ़ाने वाली बात हो जाएगी। इसलिए अपना फर्ज है ये याद रखो। याद दिलवाया जा रहा है, बाबा की ओर से इशारा मिला है। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं ही बात कर रहे थे कि
कहीं ना कहीं एक जैसे होते ना तूफान से पहले की शांति टाइप जो होती है, उसी प्रकार का समय अब हम सभी के हाथ में लगा है, ये थोड़ा बहुत जो समय बचा है। और अनसर्टेनिटी है, जैसे वो कितना वीडियो लोगों ने ऐसा वायरल कर दिया है, जो है ये अभी हिमाचल की बात कर रहे हैं ना, किन्नौर वो कैसे गिरा है, वो जो भी एक सेकंड में, मतलब उस पुल के ऊपर भी एक 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 ऑटो जा रहा था एक सेकंड में, ठीक है। अनसर्टेन, अनिश्चित हर चीज। तो इस अनिश्चितता के दौर में हमें भगवान के ऊपर जो निश्चय है वो हमें निश्चिंत बना रहा है, लेकिन उसका फायदा तभी है पूरा जब हमारी बुद्धि क्लियर है। और बुद्धि क्लियर मतलब आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति मतलब जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान, चाहे कुछ भी हो जाए रिन्यू करो। अगर ढीला पड़ गया है पुरुषार्थ, नो प्रॉब्लम, रिन्यू रिन्यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो। तो अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। परख कौन सकता है? आत्मिक स्थिति तो है ही, लेकिन जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे, उनकी बुद्धि एक के ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। कहा था ना पिछले हफ्ते से बातचीत चल रही थी कि बाबा के लिए सदा अवेलेबल रहना है, खुद को अवेलेबल रखो। अवेलेबल कैसे? फिजिकली नहीं, मेंटली, कि बाबा जो भी हमें एक टचिंग दे, हमारी बुद्धि रेडी है टच लेने के लिए, वो टचिंग प्राप्त करने के लिए, वो संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार है, स्टेबल है। अपहीवल है, बहुत सारी लहरें आ रही हैं, कहाँ टचिंग मिलेगी? बी अवेलेबल, ठीक है, बीइंग अवेलेबल फॉर बाबाज डायरेक्शंस, बाबाज सिग्नल्स। तो यही है ना, यही इंस्ट्रूमेंट की निशानी क्या, इंस्ट्रूमेंट मतलब यही, ठीक है भाई, जैसे बाबा आपको चलाना है चलाओ, और तभी स्थिति श्रेष्ठ हो सकती है। तो जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प व्यर्थ है, उनकी बुद्धि एक के ही याद में, एक के ही कार्य में, एक स्थिति में होगी, ठीक है ना। जो नहीं चलते होंगे संकल्प, तो उनकी बुद्धि कैसे रहेगी? एक की याद में रहेगी, एक के ही कार्य में, एक रस में होगी, वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी होगी, अपना ही सब बीच में डाल देंगे। इसलिए जो जैसा है वैसा नहीं परख सकेंगे, अपना ही डाल दिया उसमें, क्योंकि अपना पहले से भरा हुआ है, उसके आधार पे उसको परख रहे हैं। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त रहेंगे, ठीक है, उतना योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प, ये व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, शरीर के आकर्षण में। उसका मूल कारण है बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। कौन सा है महामंत्र? मन मना दो। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। तो कितना ज्यादा क्लियर बता दिया कि शक्तिशाली क्यों नहीं है बुद्धि, क्योंकि एक की तरफ नहीं है, अनेक तरफ है। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस और थकावट,
महसूस होती है, हाँ, बहुत जगह जब बुद्धि जाती है तो वीकनेस और थकावट महसूस होती है, और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। एक्स्ट्रा थॉट्स, एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहे हैं दिमाग काम, हाँ तो क्या होगा, थकावट में आएगी बुद्धि। थकी हुई, देखो बाबा की जो मुरली 2 दिन पहले थी, थकावट में अगर आप हो तो क्या सही निर्णय नहीं ले सकेंगे, 1 घंटे का काम 2 घंटे में करोगे, चिड़चिड़ापन आएगा, था ना मुरली में। अब थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी, कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। थकावट भी ना बहुत अजीब चीज है, बाबा ने यहाँ पे थकावट की मन की, बुद्धि की थकावट, और कैसे आती है वो, एक्स्ट्रा थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। सारा दिन इन संकल्पों में बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, इसीलिए विजय नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है, बुद्धि की सफाई नहीं है, ठीक है, बुद्धि की सफाई नहीं है, चली रहा है कुछ कुछ, चली रहा है कुछ कुछ। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, हाथ की सफाई का बड़ा खेल चलते है ना, कुछ कुछ कर देते हैं, हाथ की सफाई, हाथ की सफाई, हाँ बचपन में देखा होगा जादू मंत्र, गोलमाल, गोलमाल, रुमाल से कबूतर बना देते और लड्डू निकाल देते हैं हाथ की हथेली में। बच्चे निकालते हैं ना ऐसे, कितने ही क्या करते हैं, मुंह से भी कुछ निकालते रहते हैं ना, कॉइन्स, बहुत ढेर सारे कॉइन्स ऐसे। हाँ कैसे करते होंगे बता नहीं, मुंह से गोल लोहे का गोला, हाँ लोहे का इतना बड़ा गोला मुंह में से पालते थे ये कुत्ता बर्फी वाले जो साईं बाबा थे ना, और फिर कुछ का कुछ हाथ में कुछ है ऐसा कुछ है नहीं, फिर एकदम कुछ दिखा देते हैं, हाँ ऐसे एक 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 यहाँ टिक्का टिक्का, हाथ की सफाई अभी है अभी नहीं है ऐसे ये हाथ की सफाई, तो भाई उनकी तो हाथ की सफाई है और आपकी बुद्धि की सफाई, बुद्धि की सफाई। आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो, वे हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती 1 सेकंड में से, इसलिए कहते हैं जादूगर आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा, अभी बदलने सीखे हो लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते, मतलब बदल रहे हो बदलना सीखे हो लेकिन ऐसे जादू टाइप नहीं कहेंगे आपके बदलने को, क्योंकि जादू का अर्थ क्या होता है, एकदम, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है जादू चलाने के लिए, जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है, जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है उतना उसका जादू सफल होता है, मंत्र होते हैं कुछ उनके, आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। देखो कितना सीक्रेट बता रहे हैं बाबा सीक्रेट है, क्योंकि वो जादू का मंत्र अंदर चल ही नहीं रहे, मंत्र का जाप हो ही नहीं रहा, मंत्र का जाप करना तो यहाँ पे मतलब है उसमें स्वरूप में टिकना, आत्मिक स्मृति में स्थित होके परम धाम में बाबा के पास टिक जाओ, बैठ जाओ, और इतनी पावरफुल अवस्था में मन मनाभव जब मन उधर लगा होगा, तब बाबा ने कहा कि जब जो भी कुछ कहोगे करोगे वो सफल होगा जादू की तरह, तो आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा, अब इसमें देरी है। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे, किसने कहा जादूगर हाँ
इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक मास के अंदर कुछ और नजारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा। ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी देखना चाहते हैं। कुछ करो अभी, मतलब बाबा कहते हैं कुछ करो भी, कुछ नवीनता करो भी। ऐसा आवाज फैल जाए ये कौन कहां से प्रकट हुए हैं, ऐसा महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो ये तो कितने अवतार हैं। यहां से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। क्या समझना है भाई बताओ? ये मंत्र आपने थोड़े दिन पहले भी बोला था और आपने उसमें जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी बोला हुआ है कि जब सुबह उठो सबसे पहले यही याद रखो कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। ईश्वरीय काम के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए। So, really, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला संकल्प क्या मैं अवतरित आत्मा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी वो साधारणता से दूर होने का लक्ष्य है असल में। कि प्रायोरिटी रहे किस कार्य के लिए आप संसार में हो जाते हैं उल्टा, जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट वो बैक सीट ले लेती हैं और जो चीजें हैं यूं आई गई वो आगे की सीट पे रहती हैं, वो हमेशा प्रायोरिटी में रहती हैं। इस कारण से यहां से जब जाओ तो ऐसे समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख क्या हुआ दिखाओ मियाँ मियाँ तो सुनाई नहीं दिया। हाँ जी दिखाओ। वाओ प्यारा। हाँ बिल्कुल, अपने पास सभी स्पीशीज के स्टूडेंट्स हैं। या गुड देखो देखो इसकी आंखें कंचे कंचे क्यूट है। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो तो क्या कहा, यहां से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपके हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं, भाई देख लो आपके लिए काम मिल रहे। जो भी आपके दैवी परिवार वाले सेंटर वाले जो बीके हैं और लौकिक परिवार वाले में महसूस करें कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। अब आप तो भाई बाप को कहीं गए तो नहीं हो, बट आपको तो ऐसे ही रह रहे के ऐसे प्रूव करना होगा कि आप बदल रहे हो। भट्टी तो अपनी जिंदगी भट्टी है, अभी तो अलग से भट्टी में नहीं चलना अपने को भी, लेकिन क्या है कि बदलना ही है। ठीक है ओके। तो अगर आप सभी के बदलने की भावना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। हाँ जी आवाज यहां से भी आ रही थी कुछ। तो जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी
तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भावना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदल कर दुनिया को बदलना है, ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर। ये लाइन है जो परमानेंट याद करने की है दिन रात। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं, कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। हाँ जी, सुना आपने अपना असली लक्ष्य जीवन का? ये लक्ष्य है, कहीं पलट तो नहीं दिया लक्ष्य? घर के काम है, नौकरी है, ये है, वो है, रिश्तेदार है, सब कुछ है। ओ अच्छा, बाबा भी है। ओके अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं है। और हम सोचते हैं कि हम परमानेंट है यहाँ। परमानेंट है भाई, हम तो कुवैत से निकले नहीं है, हम तो बस परमानेंट हो गए हैं क्या? हम तो निकलेंगे नहीं, वो है नहीं, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हाँ, वही वाली। नहीं, कहते नहीं, हम तो चलो शुक्र है, हम तो कुवैत से निकले नहीं बाहर, तो बस हम तो रह गए इधर, हम तो कितने। अरे भैया, जब आए थे ना तो सब यही बोल के आए थे, हम 1 लाख रुपया हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे। वो 1 लाख का भी रह गया, एक लाख दिनार हो गया अभी। या 1 लाख दिनार इकट्ठे हो जाएंगे तो निकल लेंगे यहाँ से, तो जीरो लगाते जा रहे आगे। वही है दाना पानी है, जिधर आए रह रहे हैं, क्या कर सकते। पर ये है सबसे बड़ा जो फायदा, जो सबसे बड़ा ग्रेट, जो बाबा मिल गया कुछ, बाकी दिनार वगैरह छोड़ो। बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है, मिल गया बाबा। ये किस्मत खुल गई बस, असली लॉटरी, बाकी तो सब बेकार है। हाँ, ऐसे ही समझ कर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं, कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना, निमित्त मात्र शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए। हर चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, निमित्त मात्र शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए, और क्या हुए हैं? अवतरित। 5 बातें हैं इसमें, अवतार लिया है ना, अवतरित हुए हैं। ऐसे नहीं कि भाई नॉर्मल नहीं, अवतरित हैं, भगवान के बच्चे हैं, थोड़े दिन के लिए हैं। शरीर को सिर्फ लोन लिया है, और किस लिए लिया है? ईश्वरीय कार्य के लिए, निमित्त मात्र। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे, यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। यह बगीचा है। आज भी हम यही बात कर रहे थे, जैसे अभी हम ये घर बन रहे हैं ना, तो आज भी इसका फर्श वर्श ये सब बना, और थोड़ा सा ज्यादा काम हुआ आज, तो बस वही दीदी ने कहा, उनको बोलो फटाफट करें, अभी खत्म करें बस फटाफट। हाँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा दिन हो गए अभी ना, क्योंकि कई कई कारणों से, कभी ये ईद आ रही है, कभी वो ईद आ रही है, कभी रमजान आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो बस फटाफट होना चाहिए अभी। जैसे कि बाबा कहते हैं, बस भी हो गया अभी ना, दुनिया का भी अभी हो गया, ये भी हो जाना चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना बन गई है आपकी? तो पंचवर्षीय होगी, 6 महीने तो मुझे भी होने को आए, वही कह रहा है ना। तो कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। यह बगीचा है, बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक की मणि से। बाबा जब आते हैं तो हर एक के मस्तिष्क के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। हर एक के मस्तिष्क की मणि की चमक। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तिष्क के मणि को ही देखते रहो, तो जैसे बाबा सिर्फ मस्तिष्क की मणि देखते हैं, ऐसे अगर आप भी सभी मस्तिष्क के मणि को ही देखते रहो, तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध
सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है ना, उसका मूल कारण यह है, मस्तिष्क के मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो, रूप को ना देखो लेकिन मस्तिष्क के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो, शारीरिक रूप को देख रहे हो तो ऐसे ही समझो जैसे सांप देख रहे हो, सांप के मस्तिष्क में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो, और सांप को देखा और सांप ने काटा, काट लेगा ना सांप, तो अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है, कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। अगर गोपों को सांप को आप सॉरी आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे आप? सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनको उनको बन जाएंगे, पता नहीं क्या है, अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनको या उनका बन जाएंगे, शायद उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को। फिर जो ये कंप्लेन है वह बदल कर कंप्लीट हो जाएगी, मतलब पूरी खत्म हो जाएगी। सिर्फ बुद्धि की परख से कहां कंप्लेन कहां कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फर्क है। यहाँ भी ऐसे है, दो बिंदी, एक स्वयं की एक बाप दादा की, आत्मा याद रहे और बाबा की बिंदी, तो ये दो बिंदी ही याद रहे, कंप्लेन की बजाय कंप्लीट हो जाए। इसे आज से प्रतिज्ञा अपने आप से करो। कौन सी प्रतिज्ञा? बाप दादा के सामने बहुत प्रतिज्ञाएं की है, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो। अब से लेकर भाई सब ध्यान से सुन लो, प्रतिज्ञा करते ना, प्रतिज्ञा करते ना? स्कूल डेज में याद है ऐसे प्रतिज्ञा करते ना ऐसे करके तो आज प्रतिज्ञा है, आज स्वयं से स्वयं प्रतिज्ञा करनी है कि आज अब से लेकर नॉट आज से अब से लेकर सिवाय मणि के कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते, अपने आप पूरा पूरा मतलब आप कमिट ही नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण, मतलब प्रत्यक्षता कम होने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। कैसे? अभी अभी बोलते हो, अभी अभी भूल जाते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ ये निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे, तब आपकी प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता कर दिखाएगी। पांडव सेना है, ज्ञानी तो आत्मा और शक्ति सेना है, स्नेही तो आत्मा। तो मुझे लगता है हमें बंद कर देना चाहिए, वैसे तो क्योंकि दो पेज और हैं अभी, तो एक कल हम कर सकते हैं इसको, हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, हजम कर ले, रात का टाइम है ना, बस काफी है, ये काफी है, अभी हम बंद करते हैं इसको, ठीक है। इतनी प्रतिज्ञा बहुत है।
हाँ इतना तो करेंगे तो बस फिर तो बेड़ा पार है। आज की नींद आने के लिए काफी है, आज की नींद आने के लिए। हाँ नींद में तो हो तभी जगाने आए भगवान, तो नींद में तो है ही पहले ही। मणि के अलावा कुछ नहीं देखना। मणि के अलावा कुछ नहीं देखना। और बोलो भाई क्या है? दो बिंदियां याद रखनी है, स्वयं की बाप दादा की, बुद्धि की सफाई, बुद्धि की सफाई, निमित्त मात्र ये याद रखनी। निमित्त मात्र इस शरीर को लोन लेकर अवतरित हुए हैं और काम करके चले जाएंगे ईश्वरीय से कार्य के लिए, सबसे बेस्ट प्रभु कार्य के लिए, कुछ समय के लिए आए हैं। नो वेस्ट थॉट्स, या वेरी गुड, कोई संकल्प नहीं वेस्ट करना। ये बाबा ने बहुत बढ़िया, थकी हुई आत्मा ना निर्णय ले सकती है ना परख सकती है। थकना नहीं है भाई, हाँ थकना नहीं है। क्या कहते स्वामी भाई? जब प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। हाफ ऑफ करते इसलिए होती नहीं है, या हाफ प्रतिज्ञा करते हैं या करते नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा प्रत्यक्षता भी नहीं होती है। बाबा ने कहा कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो परख सकेंगे, जब हम स्वयं बदलेंगे तब हम दुनिया को बदल सकेंगे। थकी हुई आत्मा परखने परख और निर्णय नहीं कर सकती, थकना नहीं। मन मना भाव के महामंत्र में लीन हो जाना है। जादू के समान का रिया होगा फिर। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए मन शांत होना बहुत जरूरी। मन शांत। वैसे जब बाबा चैतन्य बगीचे में आते हैं, चैतन्य बगीचे में। हाँ जी अशोक जी, वैसे जब थके हुए होते हैं तो निर्णय लेने में कंफ्यूजन रहता है, ये है ये ठीक है ये ठीक नहीं है। जब बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है तो आपका डिसीजन भी बड़ा क्विक रहता है, इनफैक्ट क्लैरिटी रहती है ना, क्लैरिटी रहती है। यस, कोई मतलब उसमें आपको ये नहीं रहता ये ठीक है नहीं, आप तुरंत उस पर निर्णय लेके आगे बढ़ते हो। बिल्कुल। और उसी समय बाबा ने बताया कि बुद्धि का सफाई नहीं होता है, यही है मुख्य कारण हार मानने के लिए, बिल्कुल हार जाने के लिए। और सफाई का मतलब तो मतलब जो प्रो टिप्स बताएंगे, प्रो टिप्स दिए हैं बाबा की, एक एक को ही याद करना है, अनेक को नहीं, अनेक को करने से ही थकावट आता है। यस, बुद्धि बहुत बातों में चली जाती है तो थकावट आती है। जी 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 हाँ जी। और जादूगर बनना है। जादूगर बनना है, ये राजेंद्र जादूगर। शरीर को निमित्त मात्र समझ के इसको ऐसे लोन पे लिया है और फिर ईश्वरीय कार्य में लग जा रहा है। राइट, ईश्वर कार्य के लिए आए। यस हाँ जी, रेणु जी का है, पहली पहली बात पूरे दिन में दिन की शुरुआत कैसे करनी है, शक्तिशाली योग से, शक्तिशाली मन की अवस्था से, शक्तिशाली विचारों को क्रिएट करके फिर शुरुआत करनी है दिन की। ठीक है स्वामी भाई, अभी आप बेशक रिकॉर्डिंग बंद कर दो, क्लास चालू रहेगा लेकिन अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दो। बाबा ने कई बार कहा है ना कि जो बाबा ने ड्रिल सिखाई है दिन में वो ड्रिल प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा के कितने सारे ड्रिल है और तो वो ड्रिल को प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने अभी बाबा की याद करते हैं उसमें बाबा ने कहा ना कि एक सेकंड में मन की एकाग्रता होनी चाहिए, एक सेकंड में फुल स्टॉप, तो ये सब कितने सारे ड्रिल है जो वो दिन में प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं भी करता हूँ
उससे बहुत मदद मिलती है, जो है कंट्रोलिंग में, दिमाग में, बुद्धि को स्थिर करने में बहुत ही मदद करती है वो। याद है लास्ट अगले पिछले साल लॉकडाउन में बाबा की रोज आती थी ना वो दिन में योग के लिए हर घंटे और मेडिटेशन, उसमें हर दिन एक नए नए ड्रिल कर देता था। तो सारे जो है वो ड्रिल प्रैक्टिस है बाबा ने, पांच धाम का, फिर अशरीरी होने का, फिर शरीर से डिटैच होने का, एक बहुत सारे ड्रिल है जो बाबा कराए हुए हैं। तो उसका प्रैक्टिस करने से बहुत, मैं देखता हूँ कि बहुत ही फायदा होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प से मिक्स चैरिटी होती है। ये अपना इस मिक्स चैरिटी करके दूसरों को परख नहीं सकते हम। तो अपना इतना चल रहा है उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, दूसरों को सही तरीके से परख नहीं पाते। राइट, बाबा कहते हैं कि सबको आत्मिक स्थिति में देखना है, लौकिक और परिवार को, सबको आत्मिक स्थिति मणि को ले। हाँ, और बाबा की ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी जब बाबा ने कहा ना कि जादू कब होगा, जब जादू का मंत्र पूरी तरीके से याद होगा, महामंत्र। क्योंकि याद नहीं, देखो पूरा सार मुरली का यही है, मणि मणि की अवस्था में स्थित होकर दूसरी बिंदी परमात्मा बिंदी को याद करना, और बस वो महामंत्र की अवस्था में स्थित होकर बुद्धि को क्लीन क्लियर रखना। आज बाबा ने जो बताया कि सिंधी भाषा में लिखते वक्त कंप्लेन और कंप्लीट दोनों में एक बिंदी का फर्क है। वही कंप्लेन कंप्लीट वही यही है। तो उसी टाइम पर बताया कि दो बिंदी को ही याद रखो, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बढ़िया तरीका से बताया। और भाई सबका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? ये स्वामी भाई अपने रिकॉर्डिंग बंद नहीं करे भी, आवाज तो नहीं आ रही मुझे आपकी। क्यों, मैंने कहा एक एक बुक जो नहीं बोले थे वो बोल रहे थे, तो मैंने कहा लो इनको भी कंप्लीट कर लूं। अब कर दूं? सबका होगा।